जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि RLWL टिकट कैसे कंफर्म होता है, RLWL टिकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, RLWL टिकट के कंफर्म होने के चांसेस कितने होते हैं और RLWL टिकट में कंफर्म होने के बाद कौन सी सीट मिलती है। जितने भी सवाल आपके होते हैं RLWL टिकट से जुड़े हुए, सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि RLWL टिकट होता क्या है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। RLWL टिकट का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट। अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं जो अपने सोर्स स्टेशन से नहीं चल रही है और आप किसी बीच के स्टेशन से ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, अगर कोई ट्रेन लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही है और आप अपना टिकट भोपाल से मुंबई तक बुक कर रहे हैं और ट्रेन में वेटिंग है, तो आपको RLWL वेटिंग टिकट मिलेगा। उसी प्रकार अगर कोई ट्रेन हावड़ा से जम्मू तक जा रही है और आप अपना टिकट पटना से बुक कर रहे हैं जम्मू तक के लिए, तब भी आपको RLWL वेटिंग टिकट मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि अगर आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देकर GNWL में अपना टिकट बुक करना चाहें तो आप हावड़ा से जम्मू तवी तक पूरा टिकट बुक कर सकते हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर दीजिए पटना का, तब आपको GNWL वेटिंग टिकट मिलेगा, लेकिन उसमें आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी बीच के स्टेशन से अपना टिकट बुक करेंगे, चाहे आप विंडो से या रिजर्वेशन काउंटर से बुक करें या ऑनलाइन बुक करें, आपको RLWL वेटिंग टिकट ही मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि RLWL वेटिंग टिकट की चार्टिंग कब होती है और सीट कौन सी मिलती है। RLWL वेटिंग टिकट में 75% ट्रेनों में डायरेक्ट वेटिंग के बाद सीट कंफर्म मिलती है और पूरी सीट मिलती है। कोई भी सीट आपको मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है जैसे RAC में होता है कि आपको साइड लोअर वाली सीट ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी सीट मिल सकती है लेकिन आपको पूरी की पूरी कंफर्म सीट मिलेगी, आपकी सीट पर दूसरा कोई नहीं होगा। दोस्तों लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रेन हैं, 25% के आसपास ट्रेन होंगी, जिन ट्रेनों में अगर आप RLWL वेटिंग टिकट लेंगे तो वेटिंग के बाद RAC शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका टिकट कंफर्म होगा। अब RLWL टिकट की चार्टिंग कब होती है। RLWL टिकट की चार्टिंग ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले होती है, जहां से भी आप ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। ये तो है नॉर्मल, ये तो सबको पता है, लेकिन RLWL टिकट आपके चार्टिंग स्टेशन से पहले भी कंफर्म हो सकता है। अगर बर्थ मल्टीप्लेक्सिंग हुई, आपकी ट्रेन अगर हावड़ा से चल रही है और दिल्ली तक जा रही है और आपने प्रयागराज से अपना टिकट बुक किया है दिल्ली तक के लिए और ट्रेन हावड़ा से चलने वाली है और बर्थ मल्टीप्लेक्सिंग होती है, तो उस कंडीशन में जब हावड़ा का चार्ट बनेगा उस ट्रेन का, उसी समय आपकी सीट भी कंफर्म हो जाएगी, आपको पहले से ही मैसेज आ जाएगा। लेकिन यह बहुत रेयर कंडीशन में होता है। सीट कंफर्म कैसे होती है, अगर ट्रेन आगे से खाली आ रही है हावड़ा से और आप प्रयागराज से चढ़ने वाले हैं, तब आपकी टिकट आसानी से कंफर्म हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी ने पहले से ही ऐसा टिकट बुक किया हो कि वो हावड़ा से प्रयागराज आकर उतरेगा, तो उसके बाद आपको सीट दे दी जाएगी, ये भी एक कंडीशन होती है। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि उस दिन कितने लोग आकर उतरेंगे उस स्टेशन पर जहां से आप ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो RLWL वेटिंग टिकट में रिस्क होता है, मैं इसको 50-50 मानता हूँ, यानी कि 50% चांसेस होते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और 50% चांसेस होते हैं कि आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। अगर RLWL टिकट में वेटिंग ज़्यादा है तो कोशिश करिए वो टिकट ना ही लें, या तो तत्काल या फिर जहाँ से ट्रेन चलने वाली है थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देकर आप वहाँ से अपना टिकट बुक कर लीजिए और जहाँ से आप ट्रेन में चढ़ने वाले हैं वहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज कर दो। इस तरीके से आपके टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बढ़े जाएंगे। और एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, RLWL वेटिंग टिकट से ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। पहली बात तो वेटिंग टिकट से ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इमरजेंसी में अगर आप RLWL वेटिंग टिकट से यात्रा करना भी चाहते हैं तो आपके पास विंडो वाला यानी कि रिजर्वेशन काउंटर वाला टिकट होना चाहिए, उससे आप यात्रा कर पाएंगे। अगर आपके पास RLWL ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट है और सीट आपकी कन्फर्म नहीं हुई है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। RLWL टिकट अगर आप बुक करने जा रहे हैं और चांसेस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिलहाल बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो। अगर आपके पास पहले से आपने 4 महीने पहले आप टिकट बुक कर रहे हो या 1-2 महीने पहले आप टिकट बुक करने जा रहे हैं और किसी ऐसे स्टेशन से बुक कर रहे हैं जहां से ट्रेन नहीं चलती है या कोई बीच का स्टेशन है, जैसा मैंने आपको भी बहुत सारे एग्जांपल बताए,
तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि ट्रेन जहाँ से चल रही है क्या वहाँ से सीट खाली है। अगर सीट खाली है तो आप कोशिश करिए वहाँ से कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर टिकट बुक कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा, आप RAWL वेटिंग टिकट लेकर परेशान नहीं होंगे कि ये कन्फर्म होगा या नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको पहले से ही कन्फर्म सीट मिल जाएगी, थोड़े पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। आखिरकार लास्ट में आपको रेलवे को तत्काल या किसी ना किसी माध्यम से एक्स्ट्रा पैसे देने ही हैं, क्यों ना टिकट बुकिंग के टाइम पे ही आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दो जिसमें आपको पहले से कन्फर्म सीट मिल जाए। फिलहाल टिकट बुक करना RAWL वेटिंग में या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी RAWL टिकट बुक करके बैठे हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि आपका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं, तो आप डिटेल्स पूरी बताकर, जैसे कि ट्रेन नंबर कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक का आपने टिकट बुक किया हुआ है, किस दिन आपको जाना है, स्लीपर या AC कौन सा वाला टिकट है, अगर आप इतनी डिटेल्स कमेंट करके पूछेंगे तब मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आधी अधूरी जानकारी पूछते हैं, जैसे कि RAWL 15 है बताइए कन्फर्म होगा या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि AC का टिकट है या स्लीपर का टिकट है, कौन सी ट्रेन है, हमारे देश में हज़ारों ट्रेन चलती हैं, मैं कैसे समझ जाऊँगा कि आपकी कौन सी ट्रेन है और कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं। बहुत से लोग आधा अधूरा सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। फिलहाल अगर आप पूरी डिटेल्स बताएंगे तो मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। PNR शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। RAWL वेटिंग टिकट से जुड़ा हुआ अगर और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ दिनों में हम लोग PQWL वेटिंग टिकट कैसे कन्फर्म होगा या नहीं होगा उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।